नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज़। मैं आपके साथ मिथुन कुमार शर्मा। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के बिशनपुर बनगरी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में आए हुए हैं। एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है, जिसको जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा कि एक नवविवाहित लड़की आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर हो जाती है। हालांकि यही घर है, देख सकते हैं, कोई अमीर बाप का बेटी नहीं थी, बहुत ही गरीब बाप का बेटी थी। आखिर फांसी लगाने का मुख्य कारण क्या था, इनकी बहन है, बहन से जानने का प्रयास करेंगे। क्या पहले मामला हुआ था, कैसे आपकी बहन फांसी लगा ली? हम यहाँ नहीं थे, घर पे अपना ससुराल में थे, जब पता चला तब आए थे यहाँ। उसको दोनों को पति पत्नी में फोन पे ही बात हुआ, फोन पे ही बात कारण उसको पति है, उसी से झगड़ा उगड़ा हुआ, उसके बाद वो फांसी लगा ली। उसका शादी कितना दिन पहले हुआ? साल लगा है, अभी एक साल हुआ है। इक्कीस साल शादी के? इक्कीस साल हुआ है। हर बच्चा उच्चा है कि नहीं? नहीं है। उसका पति कहाँ के रहने वाले? यही हरपुर मुझौना मरुआहा हरपुर के हैं। मरुआहा हरपुर के? हाँ। एकदम मतलब झगड़ा हुआ, पति पत्नी में फांसी लगा ली? रोज ही होता है दोनों में, रोज ही फोन पे, उधर से रोज गाली हम लोगों को, मम्मी को, सबको, सब दिन गाली। आखिर गाली वो काहे देता है? उसको वैसे नहीं, सबको वैसा ही करता है। कुछ चीज का मांग जो आप लोग के तरफ से नहीं दिया गया होगा इसलिए? वो दोनों तो खुद अपना मर्जी से शादी की है, पूछ के करता तब ना कुछ। अच्छा, लव मैरिज शादी किया? लव मैरिज कह लिया दोनों। कैसे लव मैरिज हुआ, मतलब लड़का तो दूर का है यहाँ से? रिलेशन में है दोनों को, अपने से हुआ बातचीत, दोनों अपने से यहाँ से चल गया, शादी कर ली। एक साल पहले लव मैरिज शादी किया गया? हाँ। बच्चा उच्चा भी है क्या? नहीं है बच्चा। क्या नाम था लड़की के? काजल कुमारी। लड़का के? शिबू कुमार। लड़का के बाबू के? उसको पिता का नाम हम नहीं जानते। लड़की के पिता के नाम? मनोज राम। कौन गांव है ये? बिशनपुर बहनागुड़ी। कितना नंबर वार्ड है? 3 नंबर। 3 नंबर। आप उनके कौन हुए? बड़ी बहन है। बड़ी बहन। मतलब उसका जो शादी हुआ उस समय, मतलब आपके, चाहे आपके परिवार के, लड़का के परिवार के, राजा मंजी से नहीं हुआ? नहीं, दोनों अपना मर्जी से कर लिए। कितना बजे फांसी लगाई? 3 बजे भोर में या दिन में? शाम को 3 बजे। और यहाँ से हॉस्पिटल कितना बजे ले गए? वही 4 बजे 3 बजे। यहाँ घर पे भी डॉक्टर लगा हुआ था, उसके बाद चल लेके चल गए सब मुजफ्फरपुर। रात कितना बजे करी, कितना बजे मर गए? रात में 10 बजे। अभी कहाँ है उसका लाश? मुजफ्फरपुर में है हॉस्पिटल में, कोई डॉक्टर के पास है। मुजफ्फरपुर SKMC पोस्टमार्टम के लिए है क्या? नहीं, अभी डॉक्टर का नहीं, वहाँ से कुछ होगा तब ना। अच्छा, पुलिस अभी तक आई है कि नहीं? नहीं, पुलिस को पता नहीं चला? नहीं। आप लोग पुलिस को फोन काहे नहीं किया अभी? हम नहीं थे, हम अभी तक आए। आपके पापा कहाँ रहते? घर पे कोई नहीं था, पापा काम करने गए हुए थे, मम्मी दवाई लाने गई थी, तबीयत खराब था, तो दोनों भाई छोटे छोटे हैं, सब खेलने गया था। अब बता देते हैं आत्महत्या काहे किया गया। हालांकि उनका आवाज़ फ्रेश आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन देख रही गांव के पब्लिक लोग है। कितना दिन पहले शादी हुआ था चाचा, पता है आपको? ना अंदाज है। ना गाँव में ना रहते हैं क्या? गाँव में रहते हैं, ना मालूम है, सब चुप चोरी से अपना से चुप चोरी से शादी किया। चलिए, ये अभी फांसी लगाया गया है क्या? सुनते हैं जब फांसी लगा। सबसे बड़ी बात आपको हम बता देते हैं कि लव मैरिज शादी करने वाला लतखोर लोग, मेरा बात सुन लीजिए, लव मैरिज शादी ये की थी बेचारी, ना बाप को पता था, ना माए को पता था, ना घर परिवार को पता था। और वो भी लड़का जो है, ना उसको बाप के पता था, ना उसको माए के पता था, ना घर के किसी भी सदस्य को पता था। दोनों मिल के तो शादी कर ली, लेकिन आपस में विवाद शुरू से ही बना हुआ रहता था, जो इनकी बहन से अभी जानने को आप लोगों को मिला होगा। लव मैरिज शादी तो करने के लिए लोग कर लेता है, बड़ा अच्छा लगता है, अपनी बाल लड़का सुंदर है, लड़का व्यवहारिक है, बाद में देखिए यही हाल हो रहा है। एक लड़की का जीवन चला गया आत्महत्या, लव मैरिज शादी की, उस समय जो आपका जो हिम्मत रहता है वह हिम्मत सब दिन तक बरकरार रहना चाहिए, तब आप हिम्मतदार हुए। मामला हुआ, लड़का लड़की अपना पति पत्नी में बराबर झगड़ा होता था, बेचारी फांसी लगा ली, अभी मुजफ्फरपुर SKMCH में भर्ती है, आएगा उसको लोग दाह संस्कार कर देगा, लड़का के गार्जियन लोग फरार होगा। पुलिस प्रशासन से भी विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द लड़का पक्ष के पूरे ऑल सदस्य को अपने हिरासत में लीजिए और छानबीन करने का प्रयास कीजिए कि एक गरीब परिवार का बेटी का जो जान गया है ये बेकार नहीं जानी चाहिए, और इतना जो बढ़ते लव मैरिज जो शादी हो रहा है उसको रोकथाम के लिए एक अच्छा पहल कीजिए, यही विनती है। कल शाम को मनोज राम, वार्ड नंबर 3 के निवासी हैं, उनकी पुत्री काजल कुमारी, वह अपने पति से फ़ोन पर बात कर रही थी। बात के दौरान कुछ हॉट टॉक हुआ, जिसके कारण वो लड़की हाइपर हो गई और रूम के अंदर चली गई, दरवाज़ा बंद कर ली और फांसी लगा ली। लोग को जब पता चला तो दरवाज़ा तोड़ करके उसको निकाला गया, तो उसका सांस चल रहा था। उसको आनंद फानंद में लेकर के यहाँ से जो सकरा में रेफरल अस्पताल है वहाँ पहुँचा गया, वहाँ उसको जो प्राथमिक उपचार होता है वह प्रदान कर दिया गया, जो ऑक्सीजन वगैरह है वो लगा करके, और एम्बुलेंस से
उसको SKMCH के लिए रेफर कर दिया गया। SKMCH में वही रात्रि 10:30-11 के आसपास में वहाँ से सूचना आया कि ये मृत हो गए। तो ये जो शादी का नहीं, ये प्रेम विवाह था। प्रेम विवाह था, जाति एक ही समुदाय में? हाँ, एक ही समुदाय में प्रेम विवाह था। वहाँ का बबलू मिश्रा, समाजसेवी, बिशुनपुर बघनगरी।